देखिए गाइस, ये मेरा बाहर का बरंडा है। देखिए यहाँ लाइट लगाए हुए हैं और ये खिड़की है। देखिए यहाँ से व्यू कितना अच्छा आता है। और इस ये है पर्दा, इसको गिरा देंगे तो बंद हो जाएगा। देखिए इस तरह से रात को बंद कर देते हैं। और यहाँ पे पंखा है, पंखा चला के सो जाते हैं। ये मिक्सर है और इससे मसाला वसला पीसते हैं। और यहाँ पे बिछावन है मेरा, सो जाते हैं। और यहाँ पे पहले टीवी लगाते थे और टीवी खराब हो चुका है, इसीलिए छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे हैंगर था कपड़ा टांगने वाला, जो मतलब टूट गया है, इसे भी छोड़ दिए हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें, देखते हैं आज का खाना बनाने जा रहे हैं। चावल दाल और क्या चीज़ का सब्जी बनेगा? बरबट्टी। दोस्तों आपको एक बात मैं बता दूं, इनका नाम है मुस्कान जी और ये हर हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। देखिए हर बार की तरह इस बार भी इन्होंने मुस्कुरा के दिखा दिए हैं। और चावल अभी बना रहे हैं। उधर देखिए आँच तो बाहर निकल गया है और हम जाते हैं इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं। देखिए हम लोग इसी पे खाना बनाते हैं। और बारिश आ गई थी मेरे इधर, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सामान भीग चुका है। जारना इतना है रखे हुए हैं, देख लीजिए। और ये घर है, इसी में सोते हैं, देख लीजिए, यही घर में सोते हैं हम। मेरा यही घर है। वहाँ पे मुस्कान जी देखिए चावल को फटक रहे हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहें। ये तो आँच जलावन जल ही नहीं रहा है, इसको थोड़ा फूंक देते हैं। आप देखिए मुस्कान जी लहराएंगे इसको। ये धार दे रहे हैं, देखिए फांसूल है, इससे सब्जी काटा जाता है और इसमें धार दे रहे हैं। देखिए इसी तरह से धार पड़ता है। देखिए यही है और आज इसी का सब्जी बनाने जा रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताएं कि इसका क्या नाम है। दोस्तों बिजली तो कट गया है और देखिए अंधेरे में ही ये दाल घाट रहे हैं। देखिए और दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कल पूजा पाठ है मेरे घर पे, तो देखते हैं उसका क्या है। कल आपको न्यू अपडेट
देते हैं। आज के लिए बस इतना ही।